हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में और सी लैंग्वेज में हम व्हाइल लूप कैसे लगा सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लूप जो है किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए हम यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही है। आपने फॉर लूप का भी यूज देखा है, मैंने आपको बताया है कि फॉर लूप का सी लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं। अब ये वीडियो जो है वो व्हाइल लूप के ऊपर बेस्ड है। एक एग्जाम्पल हम व्हाइल लूप का देखने वाले हैं इसमें। तो चलिए कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेते हैं और इसमें हम व्हाइल लूप का एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो चलिए यहां पर अब हम कोडिंग करेंगे। फाइल पर जाकर के न्यू एम्प्टी फाइल हम ले लेंगे। तो यहां देख सकते हैं आप एम्प्टी फाइल आ चुकी है। यहां पर हम हेडर फाइल बना लेते हैं हैश। अब यहां पर व्हाइल लूप हमें समझना है कि कैसे काम करेगा। ओके, तो सबसे पहले तो यहां पर हमें करना क्या है, इंट मेन लगाना है। ठीक है, मैं यहां पर इंट मेन लगा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इससे कोई वैल्यू रिटर्न हो, दैट्स वाई मैं यहां पर लगा रहा हूं इंट मेन। इंट में लगाने के बाद यहां कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पर बनाना है वेरिएबल। तो मैं यहां पे इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, और ए में इनिशियलाइज कर दूंगा। वेरिएबल बनाते समय ही यहां पर वेरिएबल में असाइन कर दूंगा वैल्यू वन। ओके, तो यहां पर वन असाइन किया है हमने और यहां पर व्हाइल लूप का प्रयोग करेंगे हम और देखेंगे कि व्हाइल लूप किस प्रकार से यूज हो सकता है। ओके, तो यहां पर ब्रैकेट लगाया हमने और ब्रैकेट लगाने के बाद ए इज लेस देन और इक्वल टू करेंगे। A is less than or equal to, मैं यहां 5 करता हूं। ठीक है, हम देखेंगे कि 5 टाइम ये प्रिंट होकर आएगा जब हम इस लूप को पूरा बना लेंगे और इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो लूप की बॉडी जैसा कि आप जानते हैं कर्ली ब्रैकेट से बनाते हैं, तो यहां पे मैंने कर्ली ब्रैकेट से लूप की बॉडी बना दी। अब यहां प्रिंट अप लिखा। ठीक है, प्रिंट अप लिखने के बाद यहां पर लिखेंगे परसेंट ई और परसेंट ई देने के बाद यहां पर वेरिएबल का नाम ए है तो यहां ए दे दिया हमने और यहां पर किया टर्मिनेट और a प्लस प्लस। यानी कि जब भी हम while लूप का यूज करेंगे, फॉर लूप में क्या होता था, फॉर लूप में हम फॉर के अंदर ही a प्लस प्लस या जो भी वेरिएबल लिखते थे उसमें प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हमें करना होता था वहीं पर कर देते थे। लेकिन यहां पर थोड़ी कहानी अलग है। पहले हम इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू को। ठीक है, इनिशियलाइज करने के बाद यानी सबसे पहले हम वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल में वैल्यू क्या रखनी है उसको इनिशियलाइज कर लिया हमने पहले। यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ही उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करी है। फिर यहां पे कंडीशन लगाया है और यहां पे इंक्रीमेंट लगाया है लास्ट में। ओके, अब इसको करेंगे टर्मिनेट और टर्मिनेट करने के बाद लूप की बॉडी को करेंगे क्लोज और यहां से हम रिटर्न जीरो देंगे। क्या देंगे, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो देने के बाद टर्मिनेट करेंगे इसको भी और इस भी ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अब सेव करने की बारी इसको, तो चलिए सेव करते हैं इसे। तो यहां पर मैं नाम दे देता हूं वाइल, चूंकि ये वाइल लूप है दैट्स वाई यहां वाइल लिखता हूं मैं और डॉट सी लगाऊंगा। ठीक है, और इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव करूंगा और आइए अब इसको रन करवाने की बारी है। तो सबसे पहले कंपाइल करवाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं नो सिंटेक्स एरर। अब हम इसको करवाएंगे रन, तो रन करवाने पर देखते हैं क्या आता है। तो यहां देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 प्रिंट होकर आ रहा है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा।